हम लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो मेरी तो अमेज़न में जॉब लगनी ही लगनी वाली है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वो कोर्स किया था, या मुझे पता है मेरे वो रिलेटिव है जिनने वो कोर्स करके रखा है और उनकी आज अमेज़न में जॉब है, तो अगर मैं ये कोर्स करता हूँ तो मेरी भी जॉब लगने वाली है। बट आप एक बात भूल गए, वो आगे जाके वीडियो में बताते हैं। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आजकल इतने सारे कोर्सेज आ चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह, ऐसा दिखाया जा रहा है कि प्लेसमेंट कर लो। जैसे हमें पहले IIT का सपना दिखाया जाता था, JEE का सपना दिखाया जाता था कि ये कर लोगे बहुत खतरनाक जॉब मिलेगी। अब छोटे कॉलेजेस स्टूडेंट को ये सपना दिखाया जा रहा है कि IIT में तो ठीक है, आपने पैसे खर्च किए, आपका नहीं हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी कॉलेज में आप हो, बट अब कैसे आप 80 लाख की जॉब ले सकते हो, अब कैसे आप 1 करोड़ का पैकेज ले सकते हो अगर आपने हमारे कोचिंग सेंटर में ले लिया पार्ट या हमारा कोर्स कर लिया, तो कैसे आपको अमेज़न जैसी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी आसानी से। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे ट्रूथ भी दिखाए जाते हैं वेबसाइट्स पे, जगहों पे, कि ये बंदा हमारा कोर्स करके गया है, ये बंदा हमारा कोर्स करके गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं वो मेंटेलिटी आपकी हटाना चाह रहा हूँ कि जो भी कंपनीज बोल रही है कि ये बंदा हमारे यहाँ ये कोर्स करके गया है, उसकी वजह से उसकी अमेज़न में जॉब लगी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, मैंने कोर्स किया है, ठीक है, बट मैंने मेरी जॉब फाइंड करी, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने चीज़ें करी, मैंने और 50 चीज़ें पढ़ी है वो कोर्स के अलावा, जब जाके मेरी अमेज़न, गूगल ऐसी कंपनीज में जॉब लग रही है या कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में जॉब लग रही है, ओके। बट आपको क्या दिखाया जा रहा होता है कि यार ये कोर्स करने से ही आपका DSA तगड़ा हो जाएगा, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, और प्लेसमेंट भी हम ही करा के देंगे, हमारे यहीं आती है अमेज़न और हम ही करवाते हैं प्लेसमेंट। जैसे आप देखोगे कोई भी वेबसाइट पर लिखा रहता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हमारे यहाँ से यहाँ गए, वहाँ गए, हमारे यहाँ मेंटर है, ये है, वो है, 50 चीज़ें आपको बताई जा रही होगी, ठीक है। बट हमें पेड कोर्सेस सोच समझ के लेना चाहिए। आजकल पेड कोर्सेस 2 लाख रुपीस तक हो चुके हैं, ठीक है, 2 लाख रुपीस पेड कोर्स का बजट जा चुका है कि आपसे 2 लाख रुपीस ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं DSA आपको सिखाऊंगा, मैं डेवलपमेंट सिखाऊंगा, मैं सिस्टम डिज़ाइन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं प्लेसमेंट भी कराऊंगा। क्या आपको लगता है ये सब सीखने के लिए 2 लाख रुपीस वर्थ इट है? मुझे लगता है कि नहीं है, ओके। 2 लाख रुपीस देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 2000 रुपये में पढ़ा देंगे, 4000 में आपके कॉलेज में मिल जाएंगे, आपके सिटी में मिल जाएंगे, जो C++ पढ़ा देगा, DSA पढ़ा देगा, बहुत सारे टीचर्स हमें लोकल मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ऐसी ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स ही इतने डले रखे और इतने अच्छे लोगों ने पढ़ाया है फ्रीली कि आप वो कर लो, उतने में हो जाएगा। देखो, कोचिंग हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा खुद से पढ़ने का मन नहीं करता है या हमें थोड़ा माहौल चाहिए होता है तो हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो ना, क्यों ऑनलाइन 1.5 लाख रुपए देना है और आपको लग रहा है कि आप बहुत ही चैंपियन बन जाओगे। देखो, सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी कंपनी को क्रैक करने के लिए या JEE को क्रैक करने के या प्लेसमेंट लेने के लिए आपका बेसिक सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो लोग आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, बट एट द एंड आपको करना है चीज़ें, आपका फ्रेंड कर रहा है, रिलेटिव वहाँ पहुँच गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोर्स के वजह से पहुँचा, या वो कोर्स नहीं होता तो वो नहीं पहुँचता, उसमें दम था इसलिए वो पहुँचा। आप भी पहुँचोगे, आपके अंदर दम होगा, ओके, आप पढ़ाई करोगे सही से, आप भी पहुँचोगे। कोई कोचिंग सेंटर आपको नहीं पहुँचाएगा कहीं भी, ओके, ना ही कोई स्कूल और कॉलेज पहुँचाएगा आपको, आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से एफर्ट डालना होगा, चीज़ें समझना होगा। कोचिंग सेंटर्स, कॉलेजेस इतना कर सकते हैं आपके लिए कि आपकी स्पीड तेज कर दे, कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट दे, जिसके वजह से आपको थोड़ा 6 महीने की जगह 3 महीने में आप वो चीज़ को कवर कर पाओ। बट एट द एंड आपको प्रैक्टिस खुद से करना है, चीज़ें खुद से करना है। ऐसा नहीं होता कि DSA का कोर्स करके आपने वो 50 प्रॉब्लम बना ली तो आपसे अमेज़न निकल जाएगा। अमेज़न बनाने के लिए 500 प्रॉब्लम आपको करना होगा, बहुत सारी पैटर्न्स आपको सॉल्व करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देना होगा। तो ये सब ध्यान में रखो कि कोर्स अकेले से काम नहीं होगा, हमें खुद से भी बहुत सारी मेहनत करना होगा, क्योंकि ये लोगों की जो ऑडियंस है ना, जैसे मेरे कॉलेज में मैंने देखा था, मेरा देख के बहुत सारे लोगों ने कोर्स ले लिया, वो कोर्स कभी ख़त्म भी नहीं किया, ठीक है, वो कोर्सेज को कभी छुआ भी नहीं है, DSA ट्राई किया पढ़ने का, कोर्स लेके छोड़ दिया बीच में। तो ऐसा मेजोरिटी लोग करते हैं, उनसे नहीं होता है, तो
पहले अपने आप को समझो कि भाई इतना पैसा देना सही है नहीं है, या मुझे पसंद नहीं है तो मत करो, और पसंद है या नहीं भी है बट अच्छे से करना चाहते हो तो फिर पूरा मन लगा के करो कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरा दिमाग दर्द करे, परेशान हो जाऊँ, मैं कैसा भी हो जाऊँ, मुझे करना है तो करना है। ये जब मेंटलिटी आएंगी तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट बीच में छोड़ देते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं फालतू का। तो या तो वो भी मत करो पैसा बर्बाद, ऑनलाइन पढ़ के देखो, फ्रीली चीज़ें पढ़ के देखो, फ्रीली करके देखो, तो उससे पता चल जाएगा डीएसए में बनाऊँ नहीं बनाऊँ, नहीं तो मैं कैरियर स्विच कर लूँ। बहुत सारी आईटी में ऐसी जॉब्स है जिसमें डीएसए रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जिसमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, बहुत सारी ऐसी जॉब है जिसमें प्रोसेस चीज़ें आपको आना चाहिए, आपको स्क्रम मास्टर बन सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, ओके, सैलरी सबकी अच्छी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनो और पब्लिक के भीड़ में चलो भाई कि डीएसए ही करना है, डीएसए से ही चीज़ें होगी, नहीं बन रहा है छोड़ दो, भाड़ में गया, कुछ और कर लेंगे। आईटी सेक्टर में बहुत जॉब्स है, ओके, बहुत टाइप के प्रोफेशन है, बहुत टाइप की पोजीशंस होती है, आप ढूंढोगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेगी, और एट द एंड छोटी कंपनी में जाके जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हो उसके बाद भी आप कोई दूसरी पोजीशन, कोई दूसरी प्रोफाइल चूज कर सकते हो। तो ये सब भी ध्यान में रखो। मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई कोर्स लो तो कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा हो, साथ में कम रेट में मिल रहा हो। हमेशा कम रेट में चीज़ें लो, क्योंकि कम रेट में आप चीज़ें लोगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि मैंने मेरे मम्मी पापा का पैसा ख़राब किया है, मेरा इतना पैसा इस चीज़ में वेस्ट हुआ जो कहीं और अच्छी जगह लग सकता था। तो ये सब के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ने का ट्राई करो। ऑनलाइन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोई छोटा सा कोर्स लो, पहले छोटी सी चीज़ें करो, उसके बाद आप थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जाओ। मतलब देखो अपने आप को कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप ही हो जो सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को जानते हो। कोचिंग सेंटर नहीं बोल पाएगा भाई कि ये कंपनी में आप चले जाओगे, अरे तू तो अच्छा बंदा है, ऐसे ही वो लोग JEE में बोलते हैं और मेजोरिटी 99% ऑफ ऑडियंस को नहीं मिलता है अच्छा कॉलेज। सेम होता है कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज कहाँ से ला लेंगे, इतनी सारी 10 तो कंपनी है जो ज़्यादा पैसे देती है, 20-50 कंपनी है जो ज़्यादा पैसे देती है, बाकी सब तो छोटी छोटी कंपनीज है ना जो कम सैलरी देते हैं। अब सब लोगों को तो कंपनीज रख नहीं सकती है, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। कंपनी रखेगी उनको ही जिनको आता होगा, और कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, जैसे JEE में आप देखते थे कंपटीशन, वैसे इस तरफ हो गया है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब इसको क्रैक करने में कंपटीशन में लगाओ दिमाग। और या तो मान लो कि भैया हमें ये सब नहीं करना है, हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, हमें फालतू चीज़ें नहीं करना है, हमें DSA उतना ज़्यादा नहीं करना है, नहीं बनता है, तो हम स्क्रम मास्टर दूसरी पोजीशंस पे ध्यान दे। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल चीज़ें होती है, फाइनेंस की चीज़ें होती है, कंपनीज में मेजोरिटी ऑफ चीज़ें होती है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आप प्रोडक्ट ओनर बन सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपर बन सकते हो, बहुत सारी पोजीशन यार जो अराउंड घूमती है डेवलपर के, जो एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होती है, सब पोजीशन में आप जा सकते हो। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है कि भाई DSA कर लोगे कुछ हो जाएगा या कुछ डेवलपमेंट कर लोगे हो जाएगा। हाँ, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई इतना पैसा खर्च करना वर्थ इट नहीं है, 2 लाख रुपीज़ खर्च करना वर्थ इट नहीं है। 5,000 का कोर्स है, आप घर से अफोर्ड कर पाते हो, मम्मी पापा आपके दे सकते हैं आराम से, तो कर लो, ठीक है, ट्राई मार लो। बट जिनके मम्मी पापा भी दे सकते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि 2 लाख रुपीज़ मायने रखते हैं भाई, 2 लाख रुपीज़ की जॉब नहीं मिलती है फ्रेशर को, और होती भी नहीं है जॉब, मेजोरिटी ऑफ जॉब जो होती है वो 1 लाख रुपीज़ की होती है, 1,90,000 इतने ही मिल रहे होते हैं एज ए फ्रेशर आपको। वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, 60 लाख का पैकेज, 80 लाख का पैकेज, 4 साल का पैकेज CTC आपको बोलते हैं कि आपको कॉलेज में मिलेगा, और वो 4 साल का होता है, डिवाइड बाई 12 होके नहीं आ रहा होता है आपके पास, 4 साल का कंपनी कंबाइन करके आपको दिखाती है एक ड्रीम कि हम 50 LPA पे आ रही है, अमेजोन आएगी तो 50, माइक्रोसॉफ्ट आएगी तो 50, ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको, मिल रहा होता है 25-30, ठीक है, या 25 भी मैंने बहुत बोल दिया, इतना भी नहीं मिलता है मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में, 15-16 ऐसे ही आता है हाथ में, ओके, ये सब चीज़ें भी हमें याद रखना है। तो जब हमें पता चला कि कंपनीज भी एक्चुअली में इतना पैसे नहीं दे रही है, तो एक ये लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं 80 लाख 70 लाख 60 लाख, तो भाई देखो वो CTC बता रहे हैं, और CTC 4 साल का भी बताया जा सकता है, ओके, CTC कैसा भी बताया जा सकता है कि हमें ये इतना पैसा 80 लाख 4 साल में मिलेगा, क्या सेंस है, 20 लाख की हुई ना 1 साल की जॉब। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, और इतना मार्केटिंग इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है चीज़ें से कि हम अपनी चीज़ें करना भूल जाए। आजकल लोगों को लग रहा है ये कोर्स कर लिया तो भाई ज़िंदगी बन जाएगी, ये कर लिया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, पाइथन सीख ली तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी,
कुछ जिंदगी नहीं बनने वाली है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से चीज़ें नहीं करोगे। और कुछ आउटडेटेड नहीं है, कुछ पुराना नहीं है भाई। जावा कर रहे हो तो भी अच्छा है, C++ कर रहे हो तो भी अच्छा है, पाइथन में कोड कर रहे हो तो भी अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है। आप बेस्ट होना चाहिए वो चीज़ में, बेस्ट होने की कोशिश करो। जब आप बेस्ट होंगे आपको जॉब अच्छी मिल रही होगी, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो हमें ये वीडियो में क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करना है। फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, अदर वेबसाइट पे, वो सब कर लेना है। वहाँ पे भी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो अच्छे अच्छी कंपनीज में, अच्छी अच्छी जगह पे है, तो उन लोग का भी बहुत एक्सपीरियंस है। और ऐसे लोग से भी आप पढ़ सकते हो जो लोग IIT से नहीं भी है बट अच्छी जगह पोजीशन पे गए हैं, तो वो लोग आपको और अच्छी राय दे पाएंगे। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस छोटे हैं हमारे यहाँ पे, मेजोरिटी जो बच्चे हैं जो अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं वो ऐसी जगह से नहीं आ रहे हैं। IIT वालों को क्या है यार, थाली परोस के मिल रहा है, अपने को तो चाहिए है ना। बट तो आप ऐसे लोगों की सुनो जो ऐसी जगह पहुँचे हुए हैं और जो छोटे कॉलेज से, वो लोग आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। और अगर आप DSA का कोर्स करना चाहते हो तो हमारा भी कोर्स रखा हुआ है, पाइथन का भी कोर्स रखा हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।